हाय एवरीवन, मैं हूं ऋतु मिर्चल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं बात करने वाली हूं कि बीवी को तरपाए कैसे, उसको तरसाए कैसे और उसको चरम सुख तक पहुंचाए कैसे। देखिए, ये जो बात होती है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप इस कॉन्सेप्ट को 100% समझ जाओगे ना, तो आपके लिए ये खेल और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ कि आप इससे परेशान रहोगे। लोग बताते हैं, इवन मैं खुद बताती हूँ कि फीमेल पार्टनर को संतुष्ट करना इतना आसान नहीं है, पर वहीं पे आज मैं ये बता रही हूँ कि कैसे थोड़ा सा तड़पाने से ये जो परेशानी वाली बात है कितने अच्छी तरीके से हल हो जाती है। चलिए थोड़े से टेक्निक्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला, अपने फीमेल पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित करो। बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है भाई। मैं नहीं, इवन हर रिसर्चर्स, हर डॉक्टर्स, किसी के पास भी आप जाओगे, किसी भी साथ भी आप काउंसलिंग करोगे, वो आपको यही बताएंगे कि अपने फीमेल पार्टनर को चरम उत्तेजित करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी तो आपको खाने का स्वाद भी नहीं आएगा। तो बात वही है, अगर आप अपने फीमेल पार्टनर को चरम उत्तेजना तक नहीं पहुंचाएंगे, आप उसको चरम सुख तक भी नहीं पहुंचा पाओगे। तो इसीलिए उसे चरम गरम करना बहुत ज़रूरी है। अब उसके लिए आप फोरप्ले, डेफिनेटली वही तो फोरप्ले ही तो वही है। और इसके लिए अगर आप बोर हो चुके हो किसी भी चीज़ से, तो इन्वेंट करो। इन्वेंशन बहुत अच्छा होता है, यानी कि आप कुछ नई चीज़ें ट्राई करो। अगर आप उसके ब्रेस्ट से आप बोर हो चुके हो, तब किसी और ऑर्गेन को पकड़ लो। या फिर अगर आप उसको किस करने से बोर हो, इवन किस करने से कोई बोर नहीं होता है। आई बिलीव कि अगर आप हर रोज़ किसी में पार्टनर को अपने मन से, अपने तन से कम 2 मिनट के लिए भी किस करते हो, तो वही 10 मिनट के फोपले का काम करता है। पर बहुत लोग पता है किसको अवॉइड करते हैं, बट डॉक्टर्स बताते हैं कि किस एक ऐसा एक्टिविटी है जिससे आपके ब्रेन, आपकी सारी चीज़ें खुल जाती है, आपके वेन्स सब कुछ खुल जाता है। तो इसीलिए किस को अवॉइड मत करो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको ट्राई करो। जो भी आपको पसंद है, आपके फीमेल पार्टनर को पसंद है, करो, बट उसको चरम उत्तेजित करो। इसके बाद पता है आपको क्या करना है? उसको तड़पाना है। उसके लिए अवेलेबल मत हो जाओ, यानी कि वो आपको अपनी तरफ खींच ले, इसके लिए वेट करो। सारी फीमेल पार्टनर तो मेरी जैसी बेशरम बिल्कुल नहीं है, तो कुछ फीमेल पार्टनर आपको आप पे गुस्सा हो जाएगी, कुछ फीमेल पार्टनर तो आपको गाली दे देगी, कुछ फीमेल पार्टनर प्यार से आपको अपनी तरफ खींच लाएगी। उस मोमेंट के लिए थोड़ा सा वेट करो। वो 1 मिनट हो सकता है, वो 30 सेकंड हो सकता है। उसको तड़पाना ज़रूरी है। अगर वो तड़पती है ना, तो इसका मतलब है कि आपका काम हो गया। इसके बाद अच्छी तरीके से स्ट्रोक देना ज़रूरी है। अगर आपको अपने मुंह में लेना पसंद नहीं है, मुंह में देना पसंद नहीं है, या फिर आप इस पार्ट को बिल्कुल अवॉइड करते हो, तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्ट्रोकिंग पावर से उसको तृप्त करना चाहते हो, तो उस केस में आपका स्ट्रोकिंग पावर जो है वो पावरफुल होना चाहिए। रिसर्चर्स ये बताते हैं कि अगर आप उसको वहाँ तक पहुँचाना चाहते हो, तो आपको उसको वहाँ तक उत्तेजित भी करना पड़ेगा, और आपको वहाँ तक उसको पहुँचाने के लिए पिट्स तक भी तो टिकना पड़ेगा ना। यानी कि आप अगर बहुत जल्दी गिर गए, आपका स्टैमिना कम हो गया, आपका पावर कम हो गया, या फिर आपका इरेक्शन ढीला पड़ गया, तो उस केस में ये वीडियो आपके लिए बेकार है, कोई काम की नहीं है। तो अपने आप को पिट्स पे टिकाने के लिए, अपने टाइम को बढ़ाने के लिए और स्ट्रोकिंग पावर को बढ़ाने के लिए 2-3 टिप मैं आपको देती हूँ। अगर आपको इरेक्शन की इश्यू नहीं है, तब भी रोज़ अपने प्राइवेट पार्ट की मालिश करो। हर वीडियो में मेरा यही ज्ञान रहता है भाई, अपने प्राइवेट पार्ट की मालिश करो। इससे आपको आपका टाइम बढ़ेगा, आपका मसल स्ट्रेंथ होगा, आपका इरेक्शन इम्प्रूव होगा, और आपकी जो पेनाइल हेल्थ है वो हमेशा सही रहेगी, आपका काम भी बहुत बढ़िया बनेगा। और अपने स्ट्रेंथ स्टेमिना को मेंटेन करने की कोशिश करो। शुरू से ही अगर आप बहुत स्पीडी में उसको स्ट्रोक देना शुरू करोगे, तो ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं होता है दोस्तों। आप अगर सचमुच को, मतलब कि आप
बहुत सारे एथिकल वीडियोस में देखोगे जहाँ पे आपको दिखेगा कि वो बहुत स्लोली स्लोली अपने काम को शुरू कर रहे हैं और एंड में जाके वो फाइनल स्ट्रोक देते हैं और अपने फीमेल पार्टनर का डिस्चार्ज करवाते हैं। तो आपको भी शुरू से बहुत हार्ड फ्रिक्शन नहीं देनी है, इससे आपका स्टैमिना कम हो जाता है, आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, आप थक जाते हो बहुत जल्दी और जिस टाइम पे एक्चुअली उसको स्ट्रोक की जरूरत थी उस टाइम पे आप हांफ जाते हो, आपका काम नहीं बनता है, आपका डिस्चार्ज आप डिस्चार्ज कर देते हो। अगर आप नेचुरल बेस पे अपने स्ट्रेंथ स्टेमिना को बढ़ा के रखना चाहते हो तो इस केस में आप सनोवा एरोटिकन कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हो। ये जो कैप्सूल है ये ऐसे 5 खास हब से बनाई गई है जो आपके स्ट्रेंथ स्टेमिना, आपकी वाइलिटी, आपके विगोर को अलग लेवल पे पहुंचा देता है। इसमें पाया जाता है शिलाजीत, अश्वगंधा, बाला, कंज और गोक्षुरा। और ये 5 हब का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके स्ट्रेंथ स्टेमिना को आसमान के लेवल तक पहुंचा देने में सक्षम है। इसमें पाए जाने वाला शिलाजीत, अश्वगंधा और गोक्षुरा का जो कॉम्बिनेशन है वो आपके लिए एक नेचुरल वियाग्रा जैसा काम करता है। ये आपके बॉडी में आपके इरेक्शन इशू को सॉल्व करने में मदद तो करता ही है, साथ ही साथ आपके स्टेमिना, आपके स्ट्रेंथ को इनबिल्ट करता है, अंदर से वो बढ़ाने में काफ़ी मददगार साबित होता है। इसके साथ साथ ये आपके मसल स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, आपके लिबिडो को भी काफ़ी हद तक इंक्रीज करने में मददगार है। और इसमें कंच और बाला भी डाले गए हैं जो काफ़ी तेज़ी से आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाता है, आपके सीमेन प्रोडक्शन को भी बढ़ाने में काफ़ी मददगार है। तो ऑल ओवर ये आपके मोटिलिटी को इंक्रीज करता है। तो इसमें जितने सारे इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं वो आपके सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करते हुए आपके परफॉर्मेंस को, आपके स्टैमिना को, आपके स्ट्रेंथ को अंदर से इंक्रीज करने में मददगार है। पर इसको आप ले रहे हो और बहुत ज़्यादा जंक फूड का इस्तेमाल कर रहे हो, फूंक रहे हो बहुत ज़्यादा, पी रहे हो बहुत ज़्यादा, तो ये आपके लिए उतना काम का नहीं होगा। तो अगर आप कोई अच्छी चीज़ अपने बॉडी में इंटेक करवा रहे हो, अगर आप चाहते हो कि उसका असर आपके बॉडी में हो, तो कुछ गलत आदतों को तो आपको थोड़ा बहुत छोड़ना ही पड़ेगा। खैर, अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक मिल जाएगी, आप ट्राई आउट कर सकते हो। शुरू में कभी भी उसको बहुत हार्ड स्ट्रोक नहीं देना चाहिए, शुरू में बहुत स्लोली स्ट्रोक देना चाहिए ताकि उसकी क्लिट जो है वो धीरे धीरे स्टिमुलेट होना शुरू हो और आपका डिस्चार्ज भी जल्दी ना हो। अगर आप ब्रेक दे के स्ट्रोक देते हो, हल्के हल्के तरीके से स्ट्रोक देते हो, तो आपका जो सेंसिटिव ग्लैंड्स हैं वो हाइपर लेवल पे नहीं जाता और आपका जल्दी डिस्चार्ज नहीं होता। जब आपको लगे कि आपके फीमेल पार्टनर बस पागल हो रही है, उसके मुंह से सिसकारियां निकल रही है, कुछ आवाज़ें भी आप फील कर रहे हो या फिर आप समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं काम हो गया, तो आप फाइनल स्ट्रोक दे के अपने फीमेल पार्टनर को चरम सुख तक पहुँचा सकते हो। देखिए दोस्तों, ये जो प्रोसेस है ना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। बस हमारे दिल में ना इच्छाएं होनी चाहिए और अगर आपको लगता है ना कि रोज रोज ये करना पॉसिबल नहीं है, तो एटलीस्ट हफ्ते में एक बार या दो बार ऐसे खास टेक्निक्स को फॉलो करना जरूरी होता है, क्योंकि फीमेल हर बार संतुष्ट नहीं होती है, बट एटलीस्ट 5 बार में 2-3 बार भी अगर उसको संतुष्टि ना मिली ना, तो उसके अगले हफ्ते वो आपको छूने भी नहीं देगी, इतना लिख के ले लो। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर लो, शेयर कर लो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो अगर आप ऐसे ही वीडियोस को रोज देखना चाहते हो। थैंक यू, बाय बाय।